हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए 100% एफर्ट कर रहे होंगे। करना भी चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। कल आपका पेपर है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 100% एफर्ट, मैं भी आपके लिए 100% एफर्ट कर रहा हूँ। मुझे आपके कैरियर की पूरी टेंशन, तो मैं आपको केस स्टडी, मेरी टारगेट था कि हर एक चैप्टर के कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस जो है अपलोड करूँगा, लेकिन नहीं कर पाया। तो बच्चों, एक केस स्टडी क्वेश्चन और चैप्टर ट्रायंगल का, बहुत बार आपने रिक्वेस्ट की, कमेंट किया कि सर ट्रायंगल वाले चैप्टर की मैंने वीडियो हालांकि बहुत सारी बनाई हैं, लेकिन आपने फिर भी कहा कि सर और भी कुछ वीडियो इसकी अपलोड कर दीजिए, तो जो है मैं अपलोड नहीं कर पाया। फिर भी मैंने बहुत की, तो एक केस स्टडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखा है कि टू ट्रीज आर स्टैंडिंग पैरेलल टू ईच अदर, द बिगर ट्री इज 8 मीटर हाई, कास्ट अ शैडो ऑफ 6 मीटर। भाई ये दो ट्री हैं, ये बड़ा ट्री है, ये छोटा ट्री, तो इसको मैंने एक डायग्राम के अकॉर्डिंग, मतलब चूंकि ट्रायंगल चैप्टर है तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमने इसको बना लिया कि ये तो बड़ा ट्री है और ये उसकी शैडो है, ये छोटा ट्री है उसकी शैडो है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये इसके पैरेलल है या नहीं है, ये पैरेलल है, ये दोनों की जो बेस है वो सेम है, यहाँ तक है ये, ठीक है। तो ये कह रहा है टू ट्रीज आर स्टैंडिंग पैरेलल टू ईच अदर, द बिगर ट्री 8 मीटर हाई, यानी ये 8 मीटर है, कास्ट से साइडो यानी यहाँ से यहाँ तक की साइडो इसकी 6 मीटर है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ए बी एंड सी डी आर टू ट्रीज, ए बी एंड सी डी आर टू ट्रीज एंड ए इज द साइडो ऑफ द लॉन्गर ट्री, ये लॉन्गर ट्री की साइडो है। तो हमसे ये देन क्या चाहता है कि अच्छा कौन सा पेयर पैरेलल होगा। तो बच्चों ए ई बी पैरेलल टू सी ई डी, इसके पैरेलल होगा, होगा कि नहीं होगा। भाई ए ई बी सीधा सा ट्रायंगल है और क्या लिखा कि सी डी, तो ये इसके पैरेलल होगा, तो ये पहले ही वाला ऑप्शन मुझे कुछ करेक्ट दिखाई दे रहा है। फिर क्या कह रहा है कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो इन द बाय बीपीटी थ्योरम। अब बीपीटी थ्योरम, इससे पहले जो ट्रायंगल चैप्टर अपलोड किया या जो उसके एमसीक्यू मैंने अपलोड किए उसमें बीपीटी थ्योरम बहुत बार बताई, फिर एक बार बता देता हूँ आपको कि बीपीटी थ्योरम क्या होती है। एक ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड्स को काटते हुए एक पैरेलल लाइन, एक थर्ड लाइन के ड्रॉ की, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी, यानी ये अपान में ये बराबर ये अपान में ये हो जाएगा, ओके। तो ये हमसे कह रहा है कि सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो भाई बीपीटी थ्योरम में क्या होता है, ये अपान ये बराबर ये अपान में ये, तो ये क्या मेरा हो सकता है कि लेकिन रेशियो सेम होता है इसमें, भाई रेशियो सेम डिवाइड करेगा, यहाँ क्या लिखा कि ए ई अपान में सी ई इज इक्वल टू बी डी, ऐसा नहीं होगा। फिर क्या लिखा कि ए सी डिवाइडेड बाई ए ई, मान सकता हूँ डी ई नहीं, यहाँ लिखा ना ए सी, तो बी डी अपान में क्या लिख सकता था, बी ई लिख सकता था। फिर क्या लिखा हुआ ये कि ए ई अपान में सी ई इज इक्वल टू ए बी अपान में सी डी, ऐसा पॉसिबिलिटी मैं मान सकता हूँ, लेकिन और आगे देखूँ कि ए ई अपान में सी इज इक्वल टू बी अपान में डी, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्या लिखा हुआ, ए ई अपान में सी इज इक्वल टू बी ई अपान में डी, ठीक है। तो सेम रेशियो, भाई सेम रेशियो, ये क्या कह रहा है, ए ई अपान में हमने मान लिया कि ए ई अपान में ये बराबर ये अपान में ये, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है।
थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, इफ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टू ट्रीज इज 3:1 देन द शैडो ऑफ द स्मॉलर ट्री इज, क्या लिखा हुआ है कि इफ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टू ट्रीज, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टू ट्री मतलब इसकी हाइट और इसकी हाइट में 3:1 का रेशियो है, ये जब 3 होता है तो ये 1 होता है, देन द शैडो ऑफ द स्मॉलर ट्री, तो भी देखो ये लिखा अगर ये 3/1 तो ये क्या हो जाएगा 6/c, ठीक है, तो 6/c अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई ना कोई इसमें से क्या होगा कि आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से देखो बच्चों, ये लिखा है कि 3/1 यानी ये 3 है और ये 1 है, देन द शैडो ऑफ द स्मॉलर ट्री, ये हाइट, तो हाइट ये 8 दे रखा है, ये इसकी हाइट मुझे क्या दे रखी, कास्ट से शैडो ऑफ द 6 मीटर, इसकी हाइट नहीं दे रखी है, लेकिन इसने मुझे रेशियो दे रखा है कि इसकी हाइट ये 3h है, तो ये 1 मान लिया, तो 3/1 इज इक्वल टू मेरा क्या कह रहा है, द शैडो ऑफ द स्मॉलर ट्री, लार्जर ट्री की शैडो कितनी है 6, ठीक है, 1 आ जाएगा 3 2 जा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट बी फ्रॉम ई इज, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट यानी इस बी का ई से क्या डिस्टेंस होगी ये मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू बहुत आसानी से निकाली जा सकती है, इस फार्मूले में वैल्यू डाल दो बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, सेम रेशियो है हमें, तो सेम रेशियो में हमें जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं, और ये अपन में ये बराबर ये अपन में ये लिख सकता हूँ, आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम इज हियर। या और भी रेशियो, बहुत सारे रेशियो हो सकते हैं, ये क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये ऑप्शन जो मुझे दे रखा है यहाँ पर कि ट्राइंगल ए बी सी ये इससे इसका क्वेश्चन है, ये गलत लिखा हुआ है, देख लेते हैं बुक में जहाँ पर हमने लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है लेकिन दिस ऑप्शन इज नॉट द फिट अकॉर्डिंग टू द नेम, ओके, तो इसको हम क्या कर देते हैं कि डिलीट मार देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, तो ये इसका क्वेश्चन नहीं, हालांकि क्वेश्चन बहुत अच्छा था लेकिन वो इसका क्वेश्चन नहीं है, ओके, तो ये कुछ केस स्टडी ट्रायंगल से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, और उम्मीद है कि आपको समझ, बच्चों ऐसे ही, अब देखो मेरी बात सुन लो कि एक ट्रायंगल है, एक बीपीटी थ्योरम जो है, एक पाइथागोरस थ्योरम है, एक एरिया वैली थ्योरम है, ठीक है, एक ट्रेपेजियम के अंदर कुछ दे रखा होगा, एक जैसे ये इसकी डायगनल इस तरीके दे रखा है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर, ये अपान ये बराबर ये अपान में ये, तो कुछ रेशियो रेशियो इस टाइप से होंगे, एक्स की वैल्यू निकलवाएगा, तो वो आपको मैंने इस जो वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड की ट्रायंगल के लिए उसमें ये सब डिटेल में बताया है, ठीक है, तो ये केस स्टडी क्वेश्चन था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि इसके डायग्राम बनाना थोड़ा सा टफ, इसलिए मैं और इसके आगे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, तो आप इसको देख लें, हो सकता है कि यही आ जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, बच्चों बहुत सारों ने हमारे क्लास के ही बच्चों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा, लेकिन वो मजा पूरा ले रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू, जय हिंद।